यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश ने प्रत्याशियों को दिए संकेत, अगले महीने घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी, करल से तेज प्रताप हो सकते हैं प्रत्याशी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा, जनता से सुना बीजेपी नहीं कर रही काम, अपनी नाकामी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते हैं। यूपी में धान खरीद को मिली मंजूरी, 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपए बढ़ाया, सामान्य धान की कीमत 2300 रुपए तय। सीएम योगी ने की बाढ़ बारिश के हालात की समीक्षा, अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। आज हरियाणा में सीएम योगी की जनसभाएं, भिवानी, हिसार और पंचकुला में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण को लेकर बैठक, आज विधायक सांसदों के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे मीटिंग। यूपी की जेलों में तिहाड़ जेल की तर्ज पर नई व्यवस्था लागू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आवंटित होगी बैरक, बैरक आवंटन में नहीं चलेगी मनमर्जी। अयोध्या रेप कांड में सपा नेता मोहित खान की बड़ी मुश्किलें, मोहित खान और राजू खान पर लगा गैंगस्टर। अयोध्या के नुबाबा बैदुरा गांव में धर्मांतरण का खेल, प्रार्थना सभा में लोगों को बुलाया गया, तभी पहुंच गई पुलिस, 3 लोगों पर एफआईआर। सीतापुर थाने में हाजिरी देने पहुंचे स्ट्रीट चीटर, अपराधियों ने ली अपराध न करने की शपथ, थानेदार दलीप चौबे ने दिलाई शपथ। बहराइच में आदमखोर बाघ से बेटे के लिए भिड़ गया बुजुर्ग पिता, बेटे को जबड़े में दबोच कर भाग रहा था बाघ, बाघ के हमले में हालांकि बेटी की मौत हो गई।